राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के तत्वाधान में सोनभद्र जिले के घोरावल क्षेत्र में एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों और क्षेत्रीय विकास के किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला के सत्रों में किसान की खेती और उससे जुड़े व्यवसायों की जानकारी दी गई और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों के विषय में भी बताया गया। नाबार्ड का उद्देश्य सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराकर छोटे और मझोले किसानों को लाभान्वित करना है, जिससे वे खेती के साथ उससे जुड़ी हुई अन्य व्यवसायों के सहारे भी कुछ बेहतर कर सकें। हर साल कोऑपरेटिव बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपया पुनर्वृत्ति देते हैं। हमारी दो बड़ी परियोजनाएं होती हैं नाबार्ड की, एक जिसको हम वाडी परियोजना कहते हैं, जो आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए है केवल, और एक जलागम या वाटरशेड परियोजना कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए है। तो सोनभद्र में जैसे मैं समझता हूँ करीब 700 से 800 जो हमारे आदिवासी परिवार हैं उनके साथ नाबार्ड वाडी के जरिए काम कर रहा है। साथ ही साथ कौशल उन्नयन के लिए लोगों को प्रशिक्षण मिले, उनको जो आता है उसको और बेहतर कर सकें, बेहतर खेती कर सकें, बेहतर कारीगरी कर सकें, उसके लिए भी नाबार्ड अपनी संस्थाओं के साथ पैसा देके उनके साथ काम करता है।